चीन के खिलाफ कोई बात हो तो हिंदुस्तान की एक सुर में आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है, ये बड़ा सवाल है। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी, आज विजय दिवस पूरा देश मना रहा है, 51 साल पहले हमारी सेना ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, फिर क्या स्थिति बनी, एक बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ, उसका पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी भी और इंदिरा गांधी को भी देती है क्योंकि उनकी ओर से आदेश दिया गया था। तो जैसे हमारी सेना का शौर्य एक तरफ है और राजनीति को भी उसका श्रेय मिलता है, वैसे ही मौजूदा वक्त में भी स्थिति है। अगर हमारी सेना माकूल जवाब दे रही है, उस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जल्दी से अब चीन के मामले पर अपनी बहस को खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गौरव भाटिया जी और भी बहुत सारे आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, लेकिन जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी की बातों पर आपकी टिप्पणी। देखिए सबसे पहले तो आपने, क्योंकि बिलावल भुट्टो का एक अमर्यादित बयान आया है उसकी बात करी, मैं सुबह से हर भारतीय नागरिक की तरह इंतजार कर रहा था, खड़गे जी अध्यक्ष हैं वो कुछ कहेंगे, कहा नहीं, रावण बुला रहे थे वो तो प्रधानमंत्री जी को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, यही चार लोग इनकी हायराकी है, किसी ने ट्वीट नहीं किया, किसी ने एक वक्तव्य नहीं दिया। यहां पे प्रवक्ता आके कह रहे मेरा ट्वीट देखिए, या तो ये खड़गे जी से भी ज्यादा अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं। और मुझे याद आता है मनमोहन सिंह जी के लिए जब देहाती औरत कहा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, तो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, क्या बोला था, कड़े शब्दों में निंदा नहीं करी थी, ये कहा था हैसियत दिखा देंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, दुख कब होता है, ये प्रमाण क्या देंगे, मैंने सवाल पूछा एमओयू सार्वजनिक क्यों नहीं किया, इन्होंने सार्वजनिक उसका बताया ही नहीं कि क्यों नहीं किया, हम तो इंतजार करते रहे। शांत हो जाइए, बीच में मत बोलिए। चित्रा जी देखिए, इनके समय की नीति क्या थी, एके एंटनी तत्कालीन रक्षा मंत्री, उनसे पूछा गया सरहद पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते हो, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी नीति यह है कि कुछ भी मत बनाओ, इसी का फायदा होता है। ये 2013 की बात है, अब क्या बदला है, रफेल आ गए, देख रहे हैं चीन घबरा रहा है उससे, चिनूक अपाचे S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम आ गया, और सबसे बड़ी बात है बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी हमारी सेना के पास, 1,86,000 मांगी। मैं बार बार कहता हूं VVIP चौपर ले रही थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आज 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट आई। तीसरी बात आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक घुस के ठोका पाकिस्तान को, तो क्लीन चिट रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि ये भारत का अंदरूनी आतंकवाद है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे, क्यों दे रहे थे। मैं केवल ये कहूंगा कि इनका मकसद ये है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय ना जाए, जबकि श्री नरेंद्र मोदी जी श्रेय के लिए काम नहीं करते। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री अच्छा कार्य कर रहा है, हाँ, भारत मजबूत हो रहा है, सेना हमारी वीर है, ठीक है, तो इनके सीने में आग क्यों लगी है, ठीक जैसे है, चीन और पाकिस्तान। मुद्दे को और ज्यादा विस्तार हम देंगे क्योंकि राहुल गांधी की ओर से कई बड़े आरोप बीजेपी और आरएसएस को लेकर भी लगाए गए, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से आपकी टिप्पणी, ये विदेश मंत्री को किस बात की नसीहत दी गई है राहुल गांधी की ओर से, जल्दी से सर दो लाइन में, ये बात समझ में नहीं आ रही है, इस वजह से मेरा सवाल है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि विदेश मंत्री को चाइना की तरफ बात करनी चाहिए, चाइना से आज की डेट में लाल आंख मिला के बात करनी चाहिए, उस पर क्यों बात नहीं कर रही है भारत की सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय क्यों सो रहा है, एक बात। और दूसरी बात, ये लोग भाजपा के लोग रटी रटाई बात क्यों करते हैं भाई, हमने तो आपसे परसों भी कहा था चित्रा जी, दूसरे इनके प्रवक्ता थे, कि अगर कोई भी एमओयू में एक शब्द गलत हो, 1,35,00,000 के चंदे में कोई चीज गलत हो, हमें फांसी दे दो, उस चीजों को लेकर के आप भारत की सीमा को क्यों असुरक्षित करते हैं, क्या ये देश इसलिए आप बेच देंगे कि कांग्रेस पार्टी ने 1,35,00,000 रुपया लिया था, या देश आप इसलिए बेच देंगे चीन के हाथों, क्या नाम कि एमओयू कांग्रेस ने साइन कोई किया है, अरे कांग्रेस को फांसी दीजिए, जांच कीजिए, फांसी दीजिए, लेकिन जो देश की असुरक्षा होता भैया कांग्रेस में, अगर बहुत अरे आप बिकाऊ नहीं, आप तो टके टके के बिके हुए हो, अंग्रेजों के बिके हुए दलाल हो, ये देखिए 60 रुपए की पेंशन लेने वाले दलाल हो, मुस्लिम लीग के बिके हुए दलाल हो, क्या सबसे बड़ा दलाल रॉबर्ट वाड्रा, बिके हुए राहुल गांधी उससे बड़ा दलाल, उससे बड़ी दलाल, मुझे लग रहा है सुरेंद्र राजपूत जी कम से कम शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, गौरव भाटिया जी आपके लिए भी, सुरेंद्र राजपूत जी आपके लिए भी, इस तरह के शब्दों की इजाजत मैं अपने डिबेट में नहीं दे सकती, प्लीज सर शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए।